हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखे, मुख्तलिफ प्रोग्राम हम लोगों ने किए वीबी के, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ द प्रोग्राम एडिशन प्रोग्राम किया, हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम किया, हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको कल एरिया ऑफ सर्कल किया हम लोगों ने, इसी तरीके से मार्क्स वाला प्रोग्राम हम लोगों ने किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, क्योंकि हमेशा हमें कंडीशंस के बगैर चीजें नहीं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हमें कहां पे जरूरत पड़ती है उसकी हम एग्जांपल लेंगे। जैसे अभी तक हम लोग सिंपल स्टेटमेंट्स किया यूज किया करते थे, सिंपल स्टेटमेंट्स उसमें एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, आप लोगों ने वो कैलकुलेटर भी बनाया। अब हो सकता है कभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप दो में से, फॉर एग्जाम्पल एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, दो नंबर आपको लेने हैं, इनमें से बताना है कि बड़ा कौन है। या फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मार्क्स वाला प्रोग्राम किया, एग्जामिनेशन वाला प्रोग्राम किया, उसमें एक चीज होता है कि हमें डिक्लेयर करना होता है पास या फेल, तो वो हम कैसे करें, उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन डिस्प्ले पास, एल्स डिस्प्ले फेल। तो हम एक ऐसा ही प्रोग्राम कर लेंगे सिंपल, अभी हम पहले ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स कर लेंगे, सिंपल एक प्रोग्राम कर लेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, थोड़ा मैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सभी मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। यानी अगर हमें एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, एट दैट टाइम वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उस वक्त हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी हमें जो एक होती है नॉर्मल स्टेटमेंट्स, नॉर्मल स्टेटमेंट्स जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आए, जिनमें कहीं डिसीजन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जहां पे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, या कौन सा काम करना है कौन सा, यानी अगर ये हुआ तो ये काम करना है, अगर ये हुआ तो ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजल्ट की हम लोग बात करें, को रिजल्ट जब हम डिस्प्ले करते हैं, किसी को डिक्लेयर करते हैं पास है या फेल है, या हम किसी कंडीशन पे करते हैं, या इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी हम रिलैक्सेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को। फॉर एग्जाम्पल इफ द जेंडर इज फीमेल देन सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के सैलरी 500 यानी बढ़ानी है, तो खाली फीमेल्स की, तो उस वक्त एक हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है हमें, यानी हमें उनको एक बेनिफिट देना है ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहा जाएगा कि जिनको इस डिपार्टमेंट में 7 साल हुए काम करते हुए, उनको आप सैलरी बढ़ा दीजिए 1000, यानी इफ ईयर ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन 10 then if year of service is greater than 10 then salary is equal to salary plus 1000। yani salary badhani hai lekin on the basis of some condition, yani jab hum zindagi ke mukhtalif shobon pe nazar dale to wahan pe hame ye conditions nazar aati hai ki hum bahut sare kaam kis pe karte hai, kuch conditions pe karte hai। aur isi tarike se jab हम क्या सीख रहे हैं इस वक्त, हम लोग इस वक्त कंप्यूटर की एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्यूटर को कोई काम समझा सकते हैं। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें कंप्यूटर को समझाना है कि आपको कोई काम ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन करना है, यानी किसी एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट करना है
ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, वो हम कैसे समझाएं उसको। और कंडीशंस के भी मुख्तलिफ किस्में हैं, कभी हमारे पास दो ही कंडीशंस होती है, कभी हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। अगर ये है तो ये कीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज द रेजिडेंट ऑफ जे एंड के, ठीक है, इफ ही इज द रेजिडेंट ऑफ जे एंड के देन अलो, इफ नॉट फिर आगे बढ़ो, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। या सिंपल अल्फाज में हम लोग ऐसा कहें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये कहें कि जिसके मार्क्स 33 से ज्यादा है उसको बोलिए कि पास हो, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन प्रिंट पास, अगर नहीं है 33 फिर फेल भी मत कहो, आगे बढ़ो। ये होगी एक सूरत हाल, ये होगी एक सूरत, इसको हम सिंपल इफ कहते हैं। इसको हम ऐसी ये जो है ऐसी स्टेटमेंट, इसको हम सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही ये होता है हमारे पास, एक ही। फॉर एग्जांपल इफ इफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू फीमेल, अगर एम्प्लॉय फीमेल है तो फॉर एग्जांपल अलाउ लीव चाइल्ड केयर लीव, इफ नॉट अगर फीमेल नहीं है तो आगे बढ़िए, कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो कभी कभार दो ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल, वहां पे दो कंडीशंस होती है। और कभी कभार हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ए ग्रेड, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन बी, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 देन सी ग्रेड डी ग्रेड, ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो ये ऐसे हमें सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है। अगर कंप्यूटर को हमें ऐसी ऐसी चीजें समझाना है तो हमें हर किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को एक एक करके अच्छी तरीके से समझना है। एक बार फिर मैं बताऊं, हो सकता है कोई लेट आया होगा, हमने आज तक वीबी में सिंपल स्टेटमेंट सीखे कि हम सिंपल इंस्ट्रक्शन सिंपल कमांड्स कैसे दे सकते हैं कंप्यूटर को, चाहे एडिशन का प्रोग्राम हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम हो, चाहे मार्क्स का प्रोग्राम हो, चाहे और कोई प्रोग्राम हो, इसमें हमें कहीं पे कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ी, कंडीशन पे कोई काम नहीं करना पड़ा। अभी तक हम लोग विदाउट एनी कंडीशन हर कोई काम करते थे, उसमें कंडीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल हम लोग सीरियली चलते थे, उसमें हम कोई कंडीशन नहीं रखते थे, ठीक है, उसमें कंडीशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, कंडीशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम क्योंकि हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, और हम ये कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के बाद हमें कंप्यूटर को समझाना है कि कोई काम कैसे करना है आपको, कौन सा काम कैसे अंजाम देना है आपको, इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि हम जब अपनी जिंदगी पे अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं, दुनिया पे नजर दौड़ाते थे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन करते हैं, हम कंडीशंस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लीव देनी है, कहीं पे लीव देनी है, इफ चाइल्ड केयर लीव देनी है, हम लोग कहते हैं इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल देन सैंक्शन चाइल्ड केयर लीव, बस अगर ये कंडीशन हो रही है तो दे दीजिए, अगर नहीं हो रही है तो बस बाकी कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन प्रिंट पास, हो गया ये एक, ऐसी भी कंडीशन होती है कि कंडीशन है, अगर ऐसा है तो ये काम कर दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पास या फेल, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, करना है या नहीं करना है, 5% या 10%, ठीक है, ऐसे ऐसे दो दो ऑप्शंस होते हैं हमें। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी एक क्या याद रखा आप लोगों ने, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स होती है, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी मदद से
हम लोग किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, किसी एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हम लोग जब दुनिया में नजर डालते हैं, बैंक्स पे नजर डालते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स में भी इंटरेस्ट होता है क्या, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अलग अलग, हाउसिंग लोन का अलग इंटरेस्ट होता है, कंज्यूमर लोन का अलग इंटरेस्ट होता है, मैंने 5-10 किस्म के लोन होते हैं और हर किसी में अलग अलग इंटरेस्ट होता है। बाद में हम लोग कहते हैं इफ 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 लोन टाइप इज इक्वल टू दिस हाउसिंग देन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6%, इफ इफ लोन टाइप इज इक्वल टू कंज्यूमर देन इंटरेस्ट इज दिस। यानी हम लोग जब देखते हैं ना कि हम लोग हर तरफ से देखते हैं कि लाइन किसने डाली, ठीक से क्या याद रखोगे आप कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे काम हम लोग कंडीशंस पे करते हैं। yes, बहुत सारे काम, जैसे पास फेल का मसला हो, ग्रेड का मसला हो, इंटरेस्ट का मसला हो, मैं कहता हूँ बहुत सारे, जब आप हम अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे हम कैटेगरीज करते हैं, किस कैटेगरी में क्या देना है, कितनी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 पोस्ट है, ठीक है, आरबी को कितना देना है, जनरल कैटेगरी को, एसटी को कितना देना है, हर किसी को कंडीशन, इफ 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 कैटेगरी इज इक्वल टू एसटी देन डू दिस, इफ कैटेगरी इज इक्वल टू आरबी देन डू दिस। तो हम ये बहुत सारे काम कंडीशंस पे करते हैं, ठीक है, तो yes, अब हमें सीखना है कि ये एक ऐसे काम, यानी जब जहां पे हमें क्या डिसीजन मेकिंग की जरूरत हो, जहां पे कंडीशन हो, हम ऐसे काम कैसे कंप्यूटर को समझा सकते हैं, हम ऐसे काम कैसे कंप्यूटर को समझा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, उनमें एक है इफ, सिंपल इफ, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इफ, इफ क्या है, ये सिंपल इफ है। सिंपल इफ में हम लोग एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, यानी हम एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, हम उसको कहते हैं दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ दिस इज इफ स्टेटमेंट। इफ अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन हो, इन केस ऑफ इफ वी डोंट हैव टू ऑप्शंस, वी डोंट हैव थ्री ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, यानी एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, एक ही ग्रुप होता है वो स्टेटमेंट्स का, अगर हमें इस एक स्टेटमेंट को या इन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल, इफ स्टेटमेंट, इफ, सिंपल इफ। तो पहला टाइप कौन सा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, इफ, इफ, इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इनमें इफ, जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो इसका सेंटेक्स ऐसा है, इफ, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, यहां पे आप कंडीशन लिख, इफ, इफ के बाद क्या है कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ ए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन, बाद में लिखते हैं देन, देन फिर वो स्टेटमेंट या उन स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं, उस स्टेटमेंट को या उन स्टेटमेंट्स को हम यहां पे लिखते हैं, कितनी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट एन, जितनी भी होगी, एक ही भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो लास्ट पे हम लोग क्या लिखते हैं एंड इफ, लास्ट पे हम लोग क्या लिखते हैं एंड इफ, ठीक है। तो यहां पे जैसे इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे, ये कंडीशन है इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इफ यस तो यहां से जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहां से जाओ, ठीक है। तो ये है सिंपल इफ। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, चलो हम अपना प्रोग्राम करेंगे अपने वीबी में, हम एक प्रोग्राम करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम इफ सीखेंगे। इफ हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, वीबी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के बाद हम लोग कहां जाते हैं
विजुअल स्टूडियो, हाँ विजुअल स्टूडियो में हम लोग सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक्स। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे इफ इफ कंडीशन की इफ यहां पे हम लोग यहां से लेंगे यूजर से मार्क्स, क्या लेंगे मार्क्स, लेकिन खाली हम कहेंगे कि अगर ये पास है तो पास डिस्प्ले होगा, ठीक है यस सर। या फॉर एग्जांपल हम इलिजिबिलिटी चेक करेंगे एज, यानी आप इलिजिबल हो या नहीं हो, अगर आप 18 ईयर से ज्यादा हो तो आप इलिजिबल हो, अगर नहीं हो तो चुप करो, कुछ नहीं कहना है, हम सिंपल इफ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे सबसे मैं पहले मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, फॉर्म है क्या हमारा, फॉर्म हमारी वीवी एप्लीकेशन की बेस बेसिस, यही बात में हम इसी को हम बाद में विंडो कहते हैं, जब ये एग्जीक्यूट होता है इसी को हम क्या कहते हैं विंडो। अगर मुझे यहाँ ऊपर ये कैप्शन चेंज करना होगा ऊपर इसका, तो कहाँ से करूंगा, प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो से हम कंट्रोल उसकी टूल उसकी प्रॉपर्टीज चेंज, प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। मैं सबसे पहले इसका इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूंगा, मैं क्या कहूंगा चेक, इसको नाम क्या रखूंगा चेक या इलिजिबल, इलिजिबल ऐसा कुछ नाम रखेंगे, ये कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए। तो ये मैं सिखा रहा हूं कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टी, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी इसका टाइटल बार पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कैप्शन चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल दूर से ही पता चलना चाहिए कि ये एक प्रोग्राम है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या कुछ, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या जॉब फॉर्म है, जॉब फॉर्म, क्योंकि आप मैं ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने सीखी है। आप तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कुछ रखूंगा ऐसे जॉब फॉर्म जैसा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला ही चीज है उसमें कि आप इलिजिबल हो या नहीं हो, सबसे पहले चेक करेंगे कि आप इलिजिबल हो या नहीं, नहीं हो। अगर 18 ईयर से ज्यादा हो तो आप आगे यू आर इलिजिबल फिल अप द फॉर्म, हम उसको यही मैसेज देंगे चलो फॉर्म भरो, ठीक है। अगर नहीं है तो चुप करेंगे, फिलहाल हम चुप करेंगे, ऐसे हम कहेंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे एक लेबल डालेंगे, इसको कहेंगे एंटर द एज, एंटर द एज यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में जहां पे हम प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं किनकी टूल्स की, चाहे वो फॉर्म हो चाहे वो टूल बुक्स के सारी टूल्स है, जैसे मैंने इस वक्त एक लेबल उठाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबल को लेबल का ये चेंज करूंगा कैप्शन, इसमें लिखूंगा एंटर एंटर द एज एज, ठीक है एंटर द एज। ये लेबल क्यों डाली मैंने, क्योंकि आगे अब एज अब मैंने यहां पे मैसेज डाली एंटर द एज, ये लेबल वन है, इसका मैंने कैप्शन क्या, इसका नाम क्या है लेबल वन, यहां आप देखिए इसका नाम क्या है लेबल वन इसका, और इसका नाम क्या है लेबल टू, लेकिन यहां पे मैंने क्या एंटर किया कैप्शन, कैप्शन मैंने एंटर द एज, एंटर द एज। अब एज कहां पे एंटर करें, क्योंकि हम टेक्स्ट यूजर से लेते हैं या डिस्प्ले करते हैं किसकी मदद से, टेक्स्ट बुक्स की मदद, टेक्स्ट बुक्स एक ऐसी चीज है, जैसे आप रिजल्ट देखने जाते हो वहां पे होता है एंटर द रोल नंबर, वो लेबल होती है, जहां पे एंटर नंबर एंटर द रोल नंबर लिखा होता है वो क्या होती है लेबल, लेबल उसके होता है एक टेक्स्ट बुक्स जिसमें आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो रिजल्ट देखने के लिए, ऐसे होता है एक टेक्स्ट बुक्स, उस पे आप क्या करते हो आप उस पे एंटर करते हो अपना रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पे और एक लेबल डालूंगा मैं जिसपे हम आउटपुट लिखेंगे आप इलिजिबल हो या नहीं हो, इसको नहीं। मैं खाली ऐसे ब्लैंक रख दूंगा, इसका नाम क्या है लेबल थ्री, इसका नाम क्या है, ये लेबल वन है, ये लेबल टू है, ये लेबल थ्री है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे क्या एज। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कमांड बटन उठाऊंगा जिसमें हम कमांड्स एंटर करेंगे कि क्या काम करना है, और दूसरी एक एग्जिट के लिए दो मैंने रख दिए, इनका भी कैप्शन में चेंज करूंगा, जैसे इसका कैप्शन में चेंज करके रख दूंगा, इसका मैं रख दूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेक,
चेक एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको रखेंगे एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। अब हमारा इंटरफेस तैयार हो गया, हमने फॉर्म पे इंटरफेस बनाया, यानी वो इंटरफेस बनाया जिससे हमारा यूजर जो हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, जो हमारे इस प्रोग्राम को यूज करेगा, उसके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम किसको समझाएंगे, अब हम इसको समझाएंगे, चेक को। इसका नाम क्या है, कमांड वन, याद रखना है इसका नाम क्या है, कमांड वन। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैं क्या कह रहा हूं, कमांड वन जब आप पे कोई क्लिक करे तब आपको क्या करना है। मैंने सिलेक्ट किया आइटम कौन सा, कमांड वन, और इस पे इवेंट कौन सा रखा, क्योंकि वीबी क्या है, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, ये क्या करती है, इवेंट पे काम करती है। वीबी एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, ये किस पे काम करती है, इवेंट पे काम करती है। जैसे यहाँ पे मुझे मुझे क्या करना है, मुझे एज स्टोर करनी है यूजर की, एक कैंडिडेट की मुझे क्या करनी है, एज स्टोर करनी है। तो उसके लिए मुझे एक बर्तन चाहिए, एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जिसमें मैं उसकी एज, उसकी एज स्टोर करूं। सब सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, तो मुझे एक मेमोरी लोकेशन चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं उस यानी कैंडिडेट की एज स्टोर करूं ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। उसके लिए मैं क्या करूं, डिक्लेयर करना है मुझे एक वेरिएबल को। किस वेरिएबल से हम लोग डिक्लेयर कर, किस कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, डिम। डिम इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं डिम कीवर्ड से, डिम। डिम फॉर एग्जाम्पल ए जी एज एज इंटीजर, इंटीजर, एंटर। एक मेमोरी लोकेशन में, एक मेमोरी लोकेशन का नाम क्या रहेगा, एज, और वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है, जैसे डेट है, स्ट्रिंग है, करेक्टर है, डबल है, बुलीन है, ये सब क्या है, डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप, ठीक है। यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या रखा मैंने, एज। अब एज कहां से मिलेगा मुझे, एज का डेटा कहां से मिलेगा मुझे, टेक्स्ट वन से, टेक्स्ट वन, ये टेक्स्ट बुक्स जो है हमारा, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन से मिलेगा मुझे। तो ये मुझे यहां पे बताना है इसको, आप यानी एज इज इक्वल टू, यानी एज जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसमें हमें एज डालनी है, लेकिन एज यूजर ने कहां पे एंटर की होगी, टेक्स्ट वन में, टेक्स्ट वन में उसने एंटर की होगी। तो एज इज इक्वल टू किसका वैल्यू उठाना है मुझे, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट, बातें क्यों नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो, यस सर, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। आ गई एज मेरे वेरिएबल में, यूजर से मैंने एज ले ली, अब उसको क्या किया, उसको स्टोर करके रखा मेमोरी में। अब मैं इसको चेक करूंगा, अब मैं इसको चेक करूंगा, इफ इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू शुड सेंड टेक्स्ट एज योर थाउट, क्या ऐसा होना होता है सेंटेक्स, इफ का सेंटेक्स अभी मैंने दिखाया ना, पहले हमें क्या लिखना है, इफ, इफ के बाद ब्रैकेट्स में लिखनी है कंडीशन, इसके बाद ब्रैकेट्स में क्या लिखनी है, कंडीशन, फिर लिखना है देन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो देन फिर क्या करना है, फिर इस स्टेटमेंट को या इन स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, यही करना है ना हमें। तो यहां पे हम लोग करेंगे इफ एंटर, फिर क्या करना है, फिर लिखना है आउटपुट पे क्या लिखना है हमें, इलिजिबल हो या नॉट इलिजिबल, अगर यानी 18 से ग्रेटर देन आ गया तो यहां पे लिखना है हमें यू आर इलिजिबल, इस पे लेवल थ्री पे, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये क्या है, लेवल थ्री इसका नाम है, जैसे आप देख सकते। Yes, तो हम हमें कहना है कि लेवल थ्री डॉट कैप्शन, लेवल लेवल थ्री डॉट कैप्शन, यानी लेवल
थ्री पे हमें क्या डालना है, लेबल थ्री पे डालना है हमें इज इक्वल टू यू आर एलिजिबल। Eligible, something like that. एटीन से ज्यादा रखेंगे हम यहाँ, है 18, ठीक है। अब हम देखेंगे ये चलेगा या नहीं, कहीं पे एरर तो नहीं है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किस वाले पे, यहाँ ये शॉर्टकट है उसका टूल बार पे, क्योंकि टूल बार पे कमांड्स के क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं उन कमांड्स के जो ऑलरेडी किसमें अवेलेबल होते हैं, मेनू बार में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 21 दूंगा, 21 पहले हम देंगे ये चेक, तभी हमारा कहीं पे गलती है। हाँ, एंड इफ हम लोग भूल गए हैं क्या डालना, एंड इफ लिखना होता है लास्ट पे लिखना होता है, एंड इफ ऐसे, ठीक है, वो हम भूल गए थे, इसलिए स्टॉप कीजिए इसको, रन। अब हम लिखेंगे 21, क्योंकि इफ जब हम स्टार्ट करेंगे उसको लास्ट पे क्या लिखना होता है, एंड, ये याद रखना है, ये रूल है, यही मैंने कहा ना कि ये सेंटेक्स है, रूल है, कि हमें जैसे इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस कैपिटल से, एंड करते हैं, कॉमा कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल, कहां पे हाइफन इस्तेमाल, ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं, कहां पे क्या करना है, कहां पे विल इस्तेमाल करना है, कहां पे शैल इस्तेमाल करना है, ठीक है, कहां पे कौन सा पंक्चुएशन वगैरह, हर किसी के रूल्स बने होते हैं। उसी तरीके से यहां पे अगर आप इफ स्टार्ट करोगे उसको क्या करना है, एंड करना है एंड इफ से, ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। जैसे हम इसको चेक करेंगे, You are eligible. क्योंकि हमने 21 दे दिया, इसलिए मैं क्या हूं, eligible हूं, ठीक है। अब अगर मैं इससे कम दूं, फॉर एग्जाम्पल 12 दे दूं, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, अब मैं 12 दे दूं, देखो अब ये आउटपुट नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कहा है कि अगर 18 से ज्यादा है तो ये मैसेज दे दीजिए, yes, अगर नहीं है तो चुप करके बैठिए, ये चुप करके बैठ गया, ये मुझे ना कह रहा है कि आप एलिजिबल हो, ना मुझे कह रहा है एलिजिबल, अगर मैं होता, अगर मैं 18 से ऊपर, ये मुझे कहता एलिजिबल हो, लेकिन यानी 18 से कम जब हम बात करते हैं मुझे वापस कुछ नहीं बताएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे हमें दो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती है, खाली अगर ये चीज ठीक ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये काम कीजिए, अगर नहीं तो बस चुप कीजिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरी क्या है, ये हो गई सिंपल इफ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल इफ की बात करें। अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा इफ एल्स, बाद में हम इसी प्रोग्राम, अभी मैं भूल गया था एग्जिट पे प्रोग्रामिंग करना, मुझने हका एग्जिट इवन करे मस्ट सेकंड, ठीक है, उसका ना एग्जिट रेस्पेक्ट के लिए की मस्ट रेस्पॉन्डिंग करा, क्योंकि हमने इसको कमांड नहीं दी थी। जैसे हम कमांड टू को देखेंगे, कमांड टू जब आप पे कोई क्लिक करे तब क्या करना है, एंड, तब क्या करना है, एंड, जब आप पे कोई क्लिक करे तब क्या करना है, एंड हो गए, एंड। अब अगर हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे वो हमें प्रोग्राम से बाहर निकाले, हो गया ये सिंपल इफ की बात, ये हो गई सिंपल इफ की बात। लेकिन हम लोग कहते हैं कि कभी अक्सर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर ये है तो ये कर लो, अगर ये है तो ये कर लो, अगर 18 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल, अगर 18 से ज्यादा है यू आर एलिजिबल। तो उसके लिए है दूसरी, ऐसी सिचुएशंस के लिए है दूसरी एक हमारे पास क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं इफ एल्स, इफ एल्स, ये बात, इफ एल्स। वहां पे हमें दो स्टेटमेंट्स होती है, दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं, या फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस होते हैं, वो ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये स्टेटमेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कीजिए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है
तो ये स्टेटमेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये स्टेटमेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कीजिए। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स पे चली जाइए, एल्स फिर ये स्टेटमेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कीजिए। लास्ट पे क्या लिखना है, एंड, क्योंकि जब भी हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम यानी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे उसको एंड किससे करना है, एंड इफ से करना है, ये याद रखना है। तो यहां पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कीजिए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कीजिए, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कीजिए, अगर नहीं हो रही है तो ये वाला कीजिए, यानी दो में से एक तो एग्जीक्यूट जरूर होगा, होगा ये होगा या वो होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे, ये सिंपल सा प्रोग्राम है हमारे पास, जैसे इसके बाद हम और भी करेंगे इस पे, जैसे अब हम इसी को थोड़ा चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग इफ की बात करें, अगर ये छी तिलकर ये स्टेटमेंट या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन द प्रोसेस एल्स की करो एंड बनाओन थोड़ा ये बनाओन यानी एक तरह जो ऑप्शन टू ऑप्शन के लिए हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल करें, इफ इफ एल्स एल्स। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर एज इफ एज इज नॉट ग्रेटर देन 18 फिर क्या करना है, फिर आप ये कीजिए, यहां पे लिखेंगे हम लेबल थ्री डॉट कैप्शन यू आर नॉट एलिजिबल, कम से कम मैसेज तो इसको देंगे यू आर नॉट एलिजिबल, कम से कम उसको पता चलेगा यू यानी मैं एलिजिबल नहीं, क्योंकि अब हमने इफ एल्स का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। बस इतनी ही चीज चेंज करनी है इसमें। तो यहां पे हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, अब देखो आप इसका ये होगा रन। अब अगर हम यहां पे 23 देंगे तो ये बोलेगा यू आर एलिजिबल, एग्जिट करेंगे फिर से कर लेंगे एग्जीक्यूट। अब हम देंगे 11 देंगे चेक यू आर नॉट एलिजिबल, अब ये इफ एल्स वाला है, क्योंकि यहां पे दो कंडीशंस है हमारे पास, दो ऑप्शंस है हमारे पास, दो में से एक जरूर एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दूसरी स्टेटमेंट या दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। इस वक्त हमारे लिए एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन कभी कभार बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, ये नहीं जरूरी कि एक ही स्टेटमेंट होगी, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है। तो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। तो मैं एक असाइनमेंट रखूंगा आप लोगों को, वो आप घर में कीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का काम जो है ये खुद करना होता है। सिंपल सा एक प्रोग्राम रखो, सिंपल आप लोग दो नंबर्स को लेके आप लोग चेक कीजिए कि ग्रेटेस्ट कौन है, ए या बी, एक्स या वाई, कुछ भी ले लीजिए आप, दो नंबर्स को ले लीजिए, चाहे आप उनका कोई भी नाम रखें। तो इसके बाद इसी तरीके से इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन लेबल थ्री डॉट कैप्शन या टेक्स्ट थ्री डॉट कैप्शन जो भी आप लोगों ने रखा होगा उस पर आप मैसेज डाल दीजिए ए इज ग्रेटर या एन वन इज ग्रेटर या एक्स इज ग्रेटर एल्स वाई इज ग्रेटर एन टू इज ग्रेटर या बी इज ग्रेटर, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों को थोड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सिंपल ये है कि हमें हर कोई चीज सिखाना है कंप्यूटर को और दुनिया की चीजें सिखानी। दुनिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किस पे होते हैं, जो कंडीशंस पे होते हैं। बैंक्स की तरफ नजर डाले, स्कूल्स की तरफ नजर डाले, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पे नजर डाले, तो हम लोग बहुत सारी जगहों पे क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, कंडीशंस पे काम होता है।